तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली संजय गंगवानी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। संजय गंगवानी ने सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली ने यह ऐलान किया कि वो ना सिर्फ पार्टी बल्कि सियासत भी छोड़ रहे हैं। 9 मई को पेश आने वाले वाकयात की उन्होंने मजम्मत भी कर दी। के जो वाकयात हैं क्या हैं उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं खास तौर पे इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और बिल्कुल जो भी इनमें शरीक हैं, जो भी इन वाकयात में शरीक हैं उनको जो है वो भरपूर सजा मिलनी चाहिए। मैं सियासत में आया था, एक नॉन वायलेंट सियासत करते हैं, लोगों के जो है जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। अगर आप मेरी 5 साल की हिस्ट्री देखें असेंबली की, तो मैंने हमेशा इशूज पे बात की है। मेरी बजट स्पीचेज उठा के देख लें, मेरी दूसरी स्पीचेज उठा के देख लें, तो मैं जो है बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के अगर वाकयात सियासत में हैं तो मेरे जैसा आदमी पार्टी से तो आप जो है बिल्कुल आप कह रहे हैं मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूं। अगर इस तरह की जो है सियासत है पाकिस्तान में तो मैं सियासत छोड़ने। संजय गंगवानी ने सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली ने यह ऐलान किया कि वो ना सिर्फ पार्टी बल्कि सियासत भी छोड़ रहे हैं। 9 मई को पेश आने वाले वाकयात की उन्होंने मजम्मत भी कर दी। के जो वाकयात हैं क्या हैं उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं खास तौर पे इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और बिल्कुल जो भी इनमें शरीक हैं, जो भी इन वाकयात में शरीक हैं उनको जो है वो भरपूर सजा मिलनी चाहिए। मैं सियासत में आया था, एक नॉन वायलेंट सियासत करते हैं, लोगों के जो है जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। अगर आप मेरी 5 साल की हिस्ट्री देखें असेंबली की, तो मैंने हमेशा इशूज पे बात की है। मेरी बजट स्पीचेज उठा के देख लें, मेरी दूसरी स्पीचेज उठा के देख लें, तो मैं जो है बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के अगर वाकयात सियासत में हैं तो मेरे जैसा आदमी पार्टी से तो आप जो है बिल्कुल आप कह रहे हैं मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूं। अगर इस तरह की जो है सियासत है पाकिस्तान में तो मैं सियासत छोड़ने। संजय गंगवानी ने सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली ने यह ऐलान किया कि वो ना सिर्फ पार्टी बल्कि सियासत भी छोड़ रहे हैं। 9 मई को पेश आने वाले वाकयात की उन्होंने मजम्मत भी कर दी। के जो वाकयात हैं क्या हैं उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं खास तौर पे इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और बिल्कुल जो भी इनमें शरीक हैं, जो भी इन वाकयात में शरीक हैं उनको जो है वो भरपूर सजा मिलनी चाहिए। मैं सियासत में आया था, एक नॉन वायलेंट सियासत करते हैं, लोगों के जो है जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। अगर आप मेरी 5 साल की हिस्ट्री देखें असेंबली की, तो मैंने हमेशा इशूज पे बात की है। मेरी बजट स्पीचेज उठा के देख लें, मेरी दूसरी स्पीचेज उठा के देख लें, तो मैं जो है बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के अगर वाकयात सियासत में हैं तो मेरे जैसा आदमी पार्टी से तो आप जो है बिल्कुल आप कह रहे हैं मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूं। अगर इस तरह की जो है सियासत है पाकिस्तान में तो मैं सियासत